पूर्व एमएलसी टीएस वजीर की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू में परिजनों और रिश्तेदारों में पसरा मातम। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर पहुंचे सांसद राहुल गांधी, कल जम्मू में कार्यकर्ताओं से मिलकर लौटेंगे दिल्ली वापस। खनन माफिया के खिलाफ भड़की पंचायत कॉन्फ्रेंस, खनन ब्लॉक जनप्रतिनिधियों के हवाले करने की उठाई मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी, पेश हैं अब तक के समाचार। पूर्व एमएलसी ट्रांसपोर्टर व जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के प्रधान टीएस वजीर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में दक्षिण दिल्ली के बसाई दारापुर इलाके में स्थित उनके आवास पर मिलने से सनसनी फैल गई। उनकी मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किए जाने पर परिवार के सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में मामला दर्ज करके मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी है। उनकी मौत की खबर मिलने पर जम्मू के गांधीनगर स्थित उनके आवास स्थान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं, ट्रांसपोर्टरों और सिख प्रतिनिधियों का पहुंचना शुरू हो चुका है और स्वर्गीय वजीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला व उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के काफी नजदीकी माने जाते थे। स्वर्गीय वजीर जम्मू कश्मीर में 5 साल से अधिक समय तक सिख समुदाय की प्रमुख संवैधानिक इकाई जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के प्रधान भी रहे हैं। उन्होंने सिख समुदाय की मांगों को समय समय पर उजागर करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी काफी सक्रियता दिखाई है। जम्मू के सनसनीखेज चोपड़ा हत्याकांड के मामले में कुछ सालों तक जेल में रहे, लेकिन बाद में न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। इस घड़ी में आपको हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो यही चाहते हैं, कहते हैं और उस प्रभु के आगे, अल्लाह के आगे, वाहेगुरु के आगे यही अरदास करते हैं कि अगर वो जो खबर आई है वो झूठी हो और वो जहाँ भी हों तंदुरुस्त हों, अच्छे हों, तो हमारे पास अभी कोई शब्द ही नहीं है इनके। हमारे दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ये गिरदावर नेता जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का गिरदावर नेता था, ये आज हमारे बीच में नहीं रहा, हमारी पार्टी को बहुत बड़ा एक झटका महसूस किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ये नेता की भरपाई कभी हो नहीं सकती। आने वाले दिनों के अंदर हमें ये मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि ऐसे गिरदावर नेता को ढूंढना और तैयार करना बहुत मुश्किल की बात है। सर, कारण क्या है कि 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कोई भी जानकारी सामने, आज रात को जानकारी प्राप्त, जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन घर वालों से आई थी कि 2-3 तारीख के ये यहाँ से विदेश की तरफ जाना चाहते थे, कनाडा में जो उनके बहू और बेटा वहाँ रहते हैं, वहाँ कोई फंक्शन था इनके घर में बच्चे का, सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। दिल्ली के अंदर जब ये पहुँचे हैं तो वहाँ जो साथी लोग थे, हमने ये सुना कि गर्दारी कर दिए। गर्दार जब कोई भी बन जाए तो क्या कर सकता है इंसान। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया है और वहीं से वे सीधे कटरा के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हैं और कटरा से पवित्र भवन के लिए वे पैदल ही रवाना हो गए हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाने के बाद राहुल गांधी कल जम्मू पहुंचेंगे, जहां पर वह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद दोपहर को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी की माता वैष्णो देवी की यात्रा के मद्देनजर कटरा से लेकर पवित्र भवन तक सुरक्षा की चाक चौबंद बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज अखनूर के बीडीओ ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों संबंधी एक ज्ञापन एसडीएम नवनीत मान को सौंपा है। पंचायत कॉन्फ्रेंस ने मांग की है कि खनन ब्लॉक जनप्रतिनिधियों के हवाले किए जाएं, क्योंकि ऐसा होने से ही माफिया की मनमानी पर नकेल कसी जा सकती है। दूसरी ओर एसडीएम नवनीत मान ने बताया है कि पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए वह वित्तीय सशक्तियां देने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है और इनकी इस मांग को भी प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा।
तमाम साथियों से हम लोग गुजारिश करते हैं और पुरजोर अपील करते हैं, जम्मू कश्मीर की जो गरीब आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो पंचे सरपंच हैं, वीडीसी हैं, डीडीसी हैं, और खुसूसन तौर जो हमारे कॉरपोरेशन जो श्रीनगर है, कॉरपोरेशन जम्मू है, हमारे टाउन एरिया कमेटी के जो म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि ये माइनिंग के जो ब्लॉक हैं, जो हमारे कंसर्न हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो काउंसलर हों, चाहे वो लोकल बॉडी के हों, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी के हों, चाहे वो टाउन एरिया के हों, उनकी ज्यूरिडिक्शन में जितने ब्लॉक आते हैं उन्हीं को दिए जाए, हम लोगों को खुद कफील बनाया जाए। और आज आपके सामने हम लोग जो है एक प्रोटेस्ट यहाँ पे करना चाहते हैं कि हम लोग एक टांग पे जो है वो खड़े होना चाहते हैं। हमें बैसाखी की जरूरत इस वक्त जो है वो सरकार ने दे दी है। इनके गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है कि वो सारी पावर्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही होंगी, तो इस सबसे यही हमें दिखता है कि आने वाले टाइम में जेएनके की जो सारी पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इन्हें और भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाएगी। तो इसमें हम सबका एज एडमिनिस्ट्रेटर्स यही रोल रहेगा कि हम यहाँ की सारी पंचायत के साथ जेएनके की डेवलपमेंट में लोगों की बेटरमेंट के लिए हम पूरी तरह से साथ देंगे और उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। जिला रियासी में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की पहचान त्राल निवासी जावेद अली डार के रूप में की गई है, जो तलवाड़ा में तैनात था। उसके बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। गोली दुर्घटनावश चली या फिर जावेद अली ने खुद की जान ले ली है, इसकी तफ्तीश अभी की जा रही है। वहीं पर जिला राजौरी प्रशासन ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा है। जिले के डीसी राजेश कुमार ने आज स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायतों के प्रतिनिधियों व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके हर इलाके में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने की बात कही है। डीसी ने बताया है कि तीसरी लहर से बचाव के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही एकमात्र रास्ता है और इसी से आने वाले खतरे के कदम थमे जा सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है और पीआरआईज के मेंबर्स थे, इनको सबको बुलाया था कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ सबको इनको अपील की गई है कि थर्ड वेव से अगर बचना है तो एहतियात जो है अपनी रखनी है। कल से स्कूल खुल गए हैं, आज सेकंड डे है, बच्चे बहुत खुश थे। हर स्कूल के ऊपर नज़र रखी गई है कि प्रॉपर टेस्टिंग हो और एसओपी का जो पालन हो, इसके अलावा ही जो है स्कूल जो है खुले। आज पीआरआई के मेंबर जो थे इनको भी एसोसिएट किया गया है ताकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट किया जाए। वहीं पर भद्रवाह के कुलसारी पंचायत के लम्होट गांव में आतंक मचाने वाला तेंदुआ आखिरकार दर दबोचा गया है। वन्यजीव विभाग ने लम्होट भगत भद्रहुड ट्रस्ट के सहयोग से यह तेंदुआ आखिरकार पकड़ ही लिया है और लोगों की माने तो यहां पर एक नहीं बल्कि कई और तेंदुए भी सक्रिय हैं जिन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। नतीजा आज देखते हैं कि आज रात को जो है उस लेपर्ड को यहाँ पर पकड़ा गया, लेकिन ये लेपर्ड जो है यहाँ एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। तो उसमें से जो है रात को जो है एक पकड़ा गया है जिसमें एक जानवर छोटे से एक बच्चे को जो है वहाँ पर रखा गया, तो उसकी आवाज़ की वगैरह की वजह से जो है वो यहाँ पर माइल हुआ है। तो बहरहाल वो खुद इस चीज़ का शिकार हो गया। तो ये एक हादसा है जो यहाँ पर होने वाला था, उस हादसे को यहाँ के लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको जो है थॉट किया है, इसको जो है बचाया यहाँ किसी जो बड़े नुकसान से। तो हमारे जो मेम्बर हैं ट्रस्ट के LBBTK मेंबर जो है उनकी जो ड्यूटी लगाई हुई थी प्रेसिडेंट साहब ने हमारे कि भाई आपको सुबह जो है कुत्ते को आपने लेना है घर में खाना छाना खिलाना और शाम को जो है इसको फिर दोबारा कैज में आके आपने डाल देना है। तो डेली हमारा हफ्ते से प्रोसेस चल रहा था। तो आज जो है हमारे जो मेंबर्स हैं जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं उनकी मेहनत जो है रंग लाई। जिला उधमपुर की मजालता तहसील के लोगों के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। मनवाल ग्रिड स्टेशन 132 केवी के चालू होने से अब मजालता तहसील के लोगों को बिजली की लो वोल्टेज और अघोषित कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। लोगों की काफी शिकायतें भी इससे मद्देनजर मिल रही थी, जिसके ऊपर संज्ञान लेते हुए डीडीसी सदस्य मजालता एडवोकेट अमित शर्मा ने बीते करीब 5 महीने से लगातार प्रयास किए और ग्रिड स्टेशन के चालू होने से उनके सारे प्रयास जो है वो सफल हो गए हैं। इस मौके पर विभागीय अधिकारी भी
उनके साथ मौजूद थे और साथ ही डीडीसी सदस्य अमित शर्मा ने केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ जिला आयुक्त उधमपुर इंदु कवलचिव और विभागीय अधिकारियों का भी धन्यवाद किया है जिनके सहयोग से ये संभव हो पाया है। बधाई दिना कि साढ़ा स्टेशन जरा है कि चालू हुई है और नाड़े करना जी मैं पहले दसिया कि लो वोल्टेज की समस्या दूर होनी और जोड़े नसैसरी पावर कट्स नो नहीं होने हैं इसलिए काफ़ी बड़ा जरा प्रोजेक्ट है ये तुम महकमे ने समर्पित किया ऑफिशियली तौर पर नाड़ी इनैगोरेशन शायद उसी का कुछ टाइम लगा लेकिन साढ़ा कोई खास मतलब उस कहने नहीं है क्योंकि साढ़ा मेन पर्पज आ लोगों तक बिजली जी है वो इस स्टेशन ग्रिड स्टेशन की पुजे और अज वो दिन असं दिखने लगे इसलिए सारे बधाई के पात्र और जिन्हें भी मेरे कन्ने आए हैं सारे PRI मैंबर ने वो भी इतने मौजूद हैं और सारा महकमा और छोटे को लेकर बड़ा जरा वो सारे ही बधाई के पात्र और अंत च स्पैशली जरा है सारे को ज्यादा अगर कुछ एफर्ट्स मारे वो मारे सारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मैडम इंदु कंवल सिंह जी ने और साढ़े सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जिन्हें अपना एफर्ट्स देइए कि अज सा ग्रह शुरू कराया। सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं तो शुरू की हैं लेकिन सरकार की इन योजनाओं का जमीनी सतह पर गरीबों को कितना लाभ मिल रहा है इसका जीता जागता नमूना देखने को मिल रहा है मढ़ ब्लॉक की पंचायत हकल में जहां पर एक युवती अपने सारे सपनों को तिलांजलि करके अपने बुजुर्ग मां बाप को पाल रही है और इस गरीब परिवार को सरकार की किसी भी योजना का कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। जम्मू की पंचायत हकल की रहने वाली रजनी देवी ये बहादुर बेटी वो काम कर रही है जो शायद एक बेटा भी नहीं करता। रजनी देवी ने अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए अपने सपनों को तिलांजलि देकर कलम को छोड़कर सिलाई मशीन का हैंडल थाम लिया। घर के एकमात्र कमाने वाले के जब कंधे झुक गए आंखों की रोशनी धुंधला गई तो इस बहादुर बेटी ने घर चलाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया और इस जिम्मेदारी को वो लोगों के कपड़े सिलकर निभाने का प्रयास कर रही है। मैं एक कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब सारा घर मैं ही चलानी हूँ या मेरे मम्मी डैडी बुजुर्ग ने वो काम नहीं कर सकते और मैं पढ़ना भी चाहती ही मैं पढ़ी नहीं है घर चलाने घर अजकल महंगाई बड़ी ज्यादा 1000 रुपया सिलेंडर पहुंचता तो बड़ा मुश्किल है साढ़े वास्ते। कुड़ी बेचारी सारी मेहनत करती है तो वह बेचारी सानू पाल गया सारे को की कर दी कुड़ी कपड़े सींदी है वो आके 70 साल मेरी उम्र हुई होनी है ते उन टेंशन कर करिए मेरे ते रिया पक्कनी है बड़ा मुश्किल होता है कुछ जाना भी हो बड़ा मुश्किल होता है कल किराया भी बड़ी बड़ा ज्यादा है और 150 रुपये से ही दिन देना मिली बड़ा मुश्किल है हर घर पर चलाना और मम्मी डैडी तो कुछ कर दे नहीं है। गरीबी के साथ साथ मुसीबत भी रजनी देवी के साथ साई की तरह रहती है। कभी मुसीबत आर्थिक तंगी बनकर तो कभी मकान गिराकर रजनी देवी की परीक्षा लेती है। आर्थिक तंगी से लड़ रही रजनी देवी को अपने माँ बाप के लिए दो वक्त की रोटी कमाने के साथ साथ सिर छिपाने के लिए पक्की छत की भी चिंता सता रही है। हैरानी की बात ये है कि गरीबी से जूझ रहे इस परिवार को सरकार ने ना तो BPL राशन कार्ड बनाया है ना ही पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ दिया है। राशन तो ही BPL ना राशन कार्ड नहीं है सारा राशन कार्ड नहीं है BPL ना बथेरे बारी फार्म भरे ने ते अबू दिखी सुनी जन्दे फोटो खिचिए ले जन्दे अबू कोई बात नहीं पूछता साड़ी चाहती तो है अबू फिर हूँ आप जो साढ़े को कख नहीं बेचारी पढ़ाई छड़ी बैठी अगू अस पढ़ाने जुड़े नहीं है तो कि पढ़ाना अगर प्यो भी उगे लिया तो अगू मी के काम करिए कि पढ़ाना साड़ी को ने कोई मदद नहीं की है अस इस कमरे च रोने होने छोटा जहा कमरा है 3 मेंबर इधर ही रहने होने बड़ी मुश्किल होती है बारिश होती है फिर अहो बड़ा मुश्किल
बीपीएल राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए पिछले कई सालों से रजनी देवी और उसके बुजुर्ग पिता पंचायत के सदस्यों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक इस परिवार को झूठे आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला। की पता भाई, हुन बथेरा करने आ, फार्म बथेरे भरे ने ते आंदे भी है ना, ठीक है अस तुंदा इयां करगे मुड़िया साड़ी कोई बात नहीं पुछदा, मुड़िया कोई कख नहीं करता नहीं कुछ, बथेरा दौड़े अस हुण सतवां साल लगी पिया, छे साल होई गए ने सतवां साल लगी पिया, ते बथेरा दौड़े हुण चुप करी रहे अस, आखणे सानूं धोणा कख नहीं ते फिर की करते हुण। तीन चार बार फार्म भरोची ना, साड़ा ना कोई ना नहीं आया अल तक, कुछ नहीं मिलया ना सानू, शौचालय बनाई दिता अल तक घूमने, ना साड़ा राशन बीपीएल विच है, कुछ नहीं अल तक, साड़ी कोई मदद नहीं कीती घूमने किश। अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रही रजनी देवी के मुताबिक गरीबों के लिए शुरू की गई सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनके घरों में कमाने वाले हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता जो गरीबी से जूझ रही हैं और जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। रजनी देवी के मुताबिक सरकारी अधिकारी और पंचायत के सदस्य भी केवल झूठ बोलते हैं, वो भी सत्य का साथ नहीं देते। जो मतलब जिंदे सारे कमाने वाले ने जेडे सौखे ने उन्हें सब कुछ मिला, सानू कुछ नहीं मिला अल तक, साढ़े बीपीएल राशन कार्ड नहीं, एपीएल जेडे सौखे ने जेडे अमीर ने उन्दे बीपीएल राशन कार्ड है, साढ़ा नहीं है अल तक, कुछ ने नहीं बनाया और कोई ओ नहीं है, शौचालय भी अल तक कुछ ने नहीं बनाया सानू, कमरे की भी कोई ओ नहीं है, बोलते सारे ने करदा कोई कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते ना, अजकल झूठ ज्यादा चला दा, सच्चा सच का साथ कोई नहीं दिंदा, सारे झूठ के बोलते। लोगों के कपड़े सिलकर अपने बुजुर्ग माँ बाप को पाल रही रजनी देवी की मदद के लिए अभी तक ना तो सरकार आगे आई और ना ही समाज आगे आया। गरीबी से केवल रजनी देवी ही संघर्ष नहीं कर रही, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई अन्य जगहों पर भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार की नई योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि वो जमीनी सतह पर सर्वे करे और ऐसे परिवारों को अपनी योजनाओं का लाभ दे, ताकि ये परिवार भी बेहतर जिंदगी गुजार सके। मठ से देसराज के साथ अश्विनी चंदेल के रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी को अब केवल एक दिन शेष रह गया है और जम्मू के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी गणेश चतुर्थी के पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में अखनूर में भी गणेश चतुर्थी के पर्व की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और लोग बाजार से भगवान गणेश की पूजा के सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। दुकानदारों को भी उम्मीद है कि इस वर्ष उनका गणेश चतुर्थी पर अच्छा कारोबार रहेगा। और वहीं पर पर्यावरण प्रेमियों ने भी लोगों से पर्यावरण के अनुकूल भगवान गणेश की प्रतिमाएं पूजा के लिए खरीदने का आह्वान भी किया गया है। तो अभी आप सब जानते हैं जैसे 1.5 साल से हम लोग ये सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, इस साल अभी जो है अभी थोड़ा माहौल ठीक हुआ है तो मैं उसके लिए खरीदारी करने आई हूँ, ताकि उनकी सारे लोग करें अच्छी तरह से, ताकि भगवान गणेश की जो कृपा है वो हमारे ऊपर बनी रहे और जो हमारा ये माहौल है हमें जल्दी से जल्दी करोना से मुक्ति। पिछले 2 साल से जो कोरोना के टाइम में लोगों ने गणेश में हर्षोल्लास से नहीं मनाया, मुझे लगता है कि इस बार जो है लोग काफ़ी हर्षोल्लास से गणेश उत्सव मनाएंगे, तो ये हमारे हिंदू संस्कृति का त्यौहार है तो इसे हर लोगों को मनाना चाहिए। और ख़ासकर मेरी लोगों से अपील है कि जो भी गणेश जी की मूर्ति ले वो इको फ्रेंडली ले, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इससे अपने घर में रखते हैं तो इको फ्रेंडली गणपति रखें, क्योंकि इससे पर्यावरण जो है इसकी हम रखवाली कर सकते हैं, इसे हम बचा सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि बड़ी सारी वीडियोस और बड़े सारे पिक्स ऐसे आते हैं कि हम लोग घर से गणपति जी को निकाल के दरिया में पानी में छोड़ तो आते हैं पर वो वहीं पे तहस नहस होते हैं। तो इससे अच्छा है, इस ये अनुरोध है समस्त धर्म प्रेमियों से, समस्त गणपति प्रेमियों से, कि अगर आप गणपति जी का वास अपने घर पर कराते हैं तो ये चतुर्थी जो है अच्छी धूमधाम से मनाएं।
दसवीं से लेकर बारहवीं तक के स्कूल खोलने का जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बेशक फैसला लिया है, लेकिन वैक्सीनेशन न होने के कारण कई बच्चे स्कूल का रुख नहीं कर पा रहे हैं। और इसी संबंध में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल गीतू बनगोत्रा का कहना है कि ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम आयु के हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, और यही कारण है कि उनके अभिभावक उन्हें स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अभिभावक ऑफलाइन कक्षाओं के इच्छुक हैं तो उनका स्टाफ उसके लिए तैयार है। वहीं पर टीचरों के मुताबिक उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं को बेहतर करने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन जितना बेहतर ऑफलाइन कक्षाओं में हो सकता है उतना ऑनलाइन कक्षाएं इतनी कारगर जो है वो साबित नहीं हो पाई हैं। कि हम एसओपी की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। मेरा स्टाफ जो है 100% सब ने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है। हमारे यहाँ कैंप भी लगा था, जो लोग बच गए थे उन लोगों की भी हमने उनको भी वैक्सीनेशन करवा दी। स्टाफ पूरा रेडी है, तैयार है। स्कूल को भी हम लोगों ने सैनिटाइज करवा दिया हुआ है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स अलाउ करें एसओपी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, साथ में कंसेंट लेटर के साथ बच्चों को अगर वो भेजना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लगवाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। पेरेंट्स उनको भेजें, अलो करें, तो हम बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाना स्टार्ट करवा देंगे। बच्चे 18 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। कम ही बच्चे हैं हमारे पास 18 ईयर्स के, 18 प्लस जो वैक्सीनेटेड हैं। ऑनलाइन क्लासों का ताल्लुक है, उसमें भी हमने बहुत कोशिश की, अच्छा किया, मगर जो ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट है वो नहीं हो सकता है ऑनलाइन। तो अब थोड़ा सा देख भी रहे हैं हम, तो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, अगर ये ऑफलाइन क्लासेस लग जाएं तो अच्छा है। फिर भी हम गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ चलेंगे, वो जैसा डिसीजन देंगे वैसे ही हम चलेंगे, लेकिन ऑफलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन से हम देख रहे हैं हम वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो हम ऑफलाइन बच्चों को देते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में आया, इवन मतलब हम तो स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो मतलब घर पे बैठ बैठ के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो मतलब नहीं पढ़ा जाता, इतना नहीं समझ आती है, तो फिर इसलिए हम आए हैं स्कूल में। कल हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, और वहीं किसानों के मुताबिक ये उनकी धान की फसल के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित हुई है। इस बारिश ने उनकी धान की फसल को लगी कई बीमारियों को भी खत्म कर दिया है, और इससे उनकी धान की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। किसानों का कहना है कि बारिश से पहले उनकी धान की फसल को कई बीमारियों ने जकड़ लिया था, और दवाइयों का छिड़काव करने के बाद भी ये बीमारियां खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन कल हुई बारिश से उनकी धान की फसल इन बीमारियों से मुक्त हो गई है। ये जेड़ी बारिश है एदे कन्नै केईं किस्म दियां बीमारियां खत्म होईयां, जियां कि साड़ी मुंजी की फंगस लगदी है ओदे कन्नै जेड़ी है एदी ग्रोथ घटदी है, केईं किस्म दियां दवाइयां सुट्टना पौंदियां न ओह भी किसानें गी कुंदा बची गए, और एदी पैडी दी ग्रोथ बड़ी अच्छी होई है, ओह फसल दी बड़ी बड़ी पैदावारी होनी है। जेड़ा फल दी जेड़ा कोई समझो दो गुणा ज़्यादा भी फल दे सकती है। अगर बारिश नहीं होती तो अगर नहीं बारिश होती ही तो ये बीमारियां इसी एक साल जी खत्म करी ओड़नी, जैलो रेस्ट जी जी मिंजर की पैडी की ग्रोथ होंगी वह भी रुकी जाती, कि जी दो हिस्से नुकसान हो सकता। हूँ किसान खुश है, किसान मड़ ब्लाक का महाराज हर जगह का किसान जरा खुश है। संग्रामपुर मेरा गांव है, वार्ड नंबर 75, इस बार नई वार्ड हमारी बनी है। सर जो बारिश हुई है, बारिश से किसान को बहुत फ़ायदा हुआ है, किसान आज मुस्करा रहा है। किसान को बारिश से ये फ़ायदा हुआ है कि 100 बीमारी लगती है हमारी पैटी को, तो वो पैटी वो बीमारी हमारी दूर हुई है। पहले तो जैलो रेस्ट पड़ती है, तो जैलो रेस्ट से थोड़ा निजात मिला है। एक बीच में ऐसे फंगस लगी हुई है हमारी पैटी को, तो फंगस भी इसकी दूर हुई है। तो कुल मिला के जो हमारी फसल है वो बारिश की वजह से अच्छी हुई है, मेहरबान हुआ है भगवान हम पे, इंद्र देवता भगवान हम पे मेहरबान हुआ है किसानों पे। तो किसान जो है वो मुस्कुरा रहा है कि बारिश जो सितंबर महीने की बारिश है, पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि पहले सितंबर महीने की जो बारिश होती थी वो जैसे होता ना सोने पे सुहागा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।